हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को आज मैं बताऊंगी कि श्री कृष्ण भगवान की पोशाक कैसे बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगी कि थोड़े से ही समय में आप भगवान जी की पोशाक घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये दो पीस लिए हैं कपड़े के, जो कि उसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर, और मैंने उन दोनों को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। आप भी इस तरीके से प्रेस कर लें। और दूसरा, जो उनका घेर के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है 13 इंच और चौड़ाई है उसकी 5.5 इंच, इसको भी मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब मैं इसके लिए, मैंने ये लेस है गोल्डन कलर की, आप अपनी मनचाही लेस लगा सकते हैं इसमें, जो भी आपको पसंद है। मार्केट में तरह तरह की लेसेस मिलती हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे इसको स्टिच करना है। हमको हल्का सा इसको होल्ड करके ऐसे हमको स्टिच कर लेनी है, दोनों साइड लगानी है हमको लेस। इस तरीके से आप इसमें सिलाई करके दोनों साइड हमको लेस लगानी है लंबाई में। अब मैं इसको कट कर लूँगी और इसको फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके आप पहले एक सिंगल सिलाई लगाएं, फिर उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएं, या तो आप दोनों फोल्ड करके भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक सिलाई से ही हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले फर्स्ट सिलाई लगाएं, फिर फोल्ड करने के बाद दूसरी सिलाई लगाएं। तो मैंने आपको ये बता दिया है, मैंने दूसरे उस पर फोल्ड करके डायरेक्ट सिलाई लगा ली है। देखिए, ये इस तरीके से मैंने दूसरी तरफ मैं डायरेक्ट फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से आप दोनों उसके जो छोटे छोटे पीस हैं उसमें आप ऐसे सिलाई करके तैयार कर लें कपड़े। ये भगवान जी की पोशाक का ऊपरी भाग रहेगा। ये देखिए, ये तैयार हो गए हैं मेरे दोनों पीस। अब मैं इसके नीचे वाले घेर में सिलाई लेस लगाऊंगी। वो साइड से भी लगानी है हमको फोल्ड करके, और जो नीचे लगानी है वो सिंगल विदाउट फोल्ड करके, इसको फोल्ड नहीं करना है नीचे वाली को। बस अब ये मेरी लेस लग के तैयार हो गई है। मैं अब इसमें प्लीट्स डालूंगी। छोटे छोटे प्लीट्स आप हाथ से ऐसे पकड़ के डाल सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसमें पिन अप कर लें, पहले बना के प्लीट्स पिन अप करने के बाद ही फिर सिलाई लगाएं। मैंने डायरेक्ट इसमें बनाती जा रही हूँ और प्लीट्स बनाती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये आपको इतना ही प्लीट्स तैयार होने के बाद इसकी जो लंबाई है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारी ये जो प्लीट्स की जो छोटे छोटे जो पीस थे उसकी जो चौड़ाई थी उसका 4 गुना हो। हमने जो फोल्ड करके पीस तैयार किया था ना 2 सेंटीमीटर, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। हमारे ये चार पीस, ये देखिए ये है ना, 1 सेंटीमीटर है, तो आपको ये 4 सेंटीमीटर रखनी है पूरी घेर की लंबाई जो है प्लीट्स के आने के बाद। और मैंने ये दोनों पीस में बीच में आधे से सिलाई लगानी है, पीछे से हमको ये छोड़ देना है, बीच से लेके नीचे तक की हमको सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए, ऊपर से ओपन है, नीचे से स्टिच कर दिया है। बस आपको अब इस तरीके से ये घेर वाले जो पीस है उस पर आपको ऐसा उल्टा करके, बीचों बीच आपने जो सिलाई लगाई है वो उधर आएगा, और हल्का सा इसको हमको जो ऊपर का भाग इसको सिल देना है, या तो आप पहले इसको सिल दीजिए और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करके आप स्टिच लगा दीजिए। पहले आप बीच वाला भाग सिल दीजिए, बीच में रख के उसको सिल दीजिए, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा आपको इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा ऐसे घुमा के। देखिए, जैसे मैंने घुमाया है ना वैसे बिल्कुल सेम टू सेम आपको भी सिलाई लगानी है इसमें। ये देखिए, अब मैं इसको सिलाई करके तैयार करके आपको दिखाती हूँ। पहले आप बीचों बीच लगा लें, अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो पहले आप बीचों बीच लगा लें।
अगर आप बिगनर्स हैं तो आप उसको पहले हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं कच्ची सिलाई, फिर उसके बाद आप मशीन से लगाएं। देखिए मैंने ये सिलाई कर दी है इसकी और ये तैयार हो गई है हमारे कान्हा जी की पोशाक। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से पोशाक बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके बाय बाय, थैंक यू।